हेलो फ्रेंड, बसंत ऋतु में देखिए हर पल हर के। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे होंगे। आप सभी को फूलदेही की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी आज के दिन कर्क संक्रांति है। आज के दिन हमारे गाँव में, हमारे उत्तराखंड में फूलदेही का त्यौहार मनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चे फूलदेही के पहले दिन यानी शाम को फूल चुन के लाते हैं। उसके बाद उनको बाहर रख देते हैं और सुबह होते ही अपना नहा धो के, अपना पूजा करके, अपनी जो सुंदर सी जो टोकरियां सजाई होती हैं, जो बांस की छोटी छोटी टोकरियां होती हैं, उनको गेरू मिट्टी से लीप के और उनमें चावल को पीस के उनमें अर्पण दिए जाते हैं और सुंदर सुंदर से आलेखन बनाए जाते हैं। और उन सुंदर सी टोकरियों को लेके वह घर में, अपने घर में और पूरे बाखली में जाते हैं, पूरे गांव में जाते हैं। तो वहां गांव में हर किसी के घर पर जाके हर गांव की जो, हर घर की जो गृह स्वामिनी होती है, वह बच्चों की टोकरी, वो बच्चे देहली में फूल रखते हैं और वह उनकी टोकरी में चावल, तिल और पैसे और फल आदि रखते हैं। तो बच्चे जैसे ही वो देहली में फूल रखते हैं तो बच्चे एक सुंदर सा गाना गाते हुए जाते हैं। वो कहते हैं, फूल देही छम्मा देही देणी द्वार भर भक्कार, हमर भरी जो टुप्पर टापर तुमर भरी जो भक्कार। इस टाइप का वो सुंदर सा गाना गाते हुए जाते हैं। इस गाने का अर्थ ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि फूल देही छम्मा देही, वो कहते हैं कि जो फूलों का जो त्यौहार आ रहा है, ये फूलों का त्यौहार हर किसी के घर में खुशियाँ लाए, हर किसी के आंगन में फुलवारी खुशियों की खिली रहे। और जिस तरीके से तुम हमारी टोकरी में, तुम ये चावल तिल और पैसे दक्षिणा इत्यादि हमारी टोकरी में तुम डाल रहे हो, हमारी टोकरी को भर रहे हो और ऐसे ही तुम्हारे घर के पूरे भंडार भरे रहे और तुम्हारे घर आंगन में हमेशा ये खुशियाँ बरकरार रहे। इस टाइप से यह कथा, ये त्यौहार होता है। फिर इसमें अच्छे से पकवान बनाए जाते हैं, मीठे चावल बनाए जाते हैं। जो चावल बच्चे गांव से लेके आए होते हैं उनको भिगो के फिर उनको मीठे चावल बना के प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। और दूसरा क्या होता है, चैत का महीना, ये भटोली का महीना भी होता है। इसमें भाई अपने बहन से मिलने जाता है और वह भटोली लेके जाता है। भटोली की कथा भी एक बहुत प्राचीन, एक छोटी सी एक कथा है। उसमें क्या था, प्राचीन समय में आवागमन के उतने साधन नहीं थे, संचार के माध्यम भी नहीं थे। तो भाई बहन, जो बहन होती थी वह अपने मायके भी साल भर में ऐसी जाती थी, अगर वो कहीं नहीं भी गई तो भाई चैत के महीने में उसके लिए भटोली लेके जाता था। तो माँ एक टोकरी में उसमें पकवान बना के कपड़े और पैसे इत्यादि और मिठाई वगैरह रखती थी। मिठाई तो उस समय होती नहीं थी, उस समय जिस तरीके से हम आज नमक पारे शक्कर पारे बना रहे हैं, उस टाइप के मीठे आटे के उसमें खजूर बनाए जाते थे। वो लेके भाई अपनी बहन से मिलने जाता था चैत के महीने में। तो एक छोटी सी कथा है, एक बार एक भाई अपनी बहन से मिलने गया था। उस दिन शुक्रवार का दिन था, तो भाई अपनी बहन से मिलने गया तो भाई को आने में थोड़ा देर थी, बहन इंतजार कर रही थी। तो इंतजार करते करते बहन सो गई तो उसकी कम आंख लगी, उसे पता नहीं चला। तो थोड़ी देर में भाई आया, भाई ने बहुत देर उसका इंतजार करा, उसके बाद भाई फिर चले गया क्योंकि अगले दिन शनिवार था। कहते हैं कि शनिवार के दिन भाई बहन का मिलना सही नहीं होता है। तो चले गया तो कुछ देर बाद उसकी आंख खुली, उसने माँ की भेजी हुई जो भेटोली थी वो देखी। उसके बाद वो खूब रोई, रोते 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 फिर उसके क्या था, बाद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो यही चिल्लाती रही कि मैं सोती रही भैया मेरा भूखे चले गया, मैं सोती रही भैया मेरा भूखा चले गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है। और कहते हैं कि चैत के महीने में एक चिड़िया, जब चिड़िया बोलती है तो उसके मुंह से ये लगता है कि भय भूखा मैं सीती, यानी मतलब भाई मेरा भूखा रह के चला गया और मैं सोई रह गई। तो उस दिन से यह भटोली पर्व चला रहा और इस चैत के महीने को रंग रंगीला महीना कहा जाता है। बसंत ऋतु का आगमन होता है, नई फूल खिलते हैं, नई कोपलें, वो तो खैर बसंत पंचमी से ही शुरू हो गया। तो यह हमारे कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में यह रंग रंगीला माना जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कथा, इसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया। और फिर से आप सभी को बसंत ऋतु की और ये चैत के महीने की फूलदेही त्यौहार की और भटोली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।